वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे प्यारे साथियों को। क्या आपको भी मैथमेटिक्स नहीं आती है? आपको भी ये तकलीफ है कि गणित की वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, शादी वगैरह कैंसिल हो रही है या फिर तय नहीं हो रही? अगर कुछ है तो बताइए आप प्रॉब्लम, ठीक है? और हाँ, एक बात ये भी कमेंट करके बताइए, क्लास चल रही है, मेरी आवाज़ आपको अच्छे से? सभी फटाफट जुड़ जाइए, ये क्लास विशेष जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती, जिनको गणित में कुछ नहीं आता है या फिर वो गणित में बहुत ही भी, तो बिल्कुल दिल लगा के क्लास को देखना। आज जो हम पढ़ाएंगे पूरे समझाने की गारंटी है। वैसे ये बहुत दिन बाद लाइव हो रही, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें साथियों एक प्रकार से रिवाइज करेंगे, मतलब रिविजन करेंगे। एक्चुअली बहुत दिन बाद आ रहे हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, पुराने होने के बाद लोग बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें, आप समझ। तो चलिए, सभी आ गए हैं, जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं वो कमेंट करेंगे। आनंद मोटिवेशन, अंजलि मौर्या, साहिद मिर्जा, मोनू, प्रियंका दास, अतुल, शिवम, और कौन है भैया, राखी बारी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, आकृति विश्वकर्मा, प्रांजल, दीपक, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है, सिर्फ कमेंट ही देखना आप क्लास पे चल। चलिए आगे बढ़े। आज हम सबसे पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके पहले परसेंटेज बताएंगे, क्योंकि परसेंटेज पे आप लोग थोड़ा सा ज्यादा दिल लगाते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भाग जाते हो। तो टॉपिक आज होगा परसेंटेज। हाँ, स्पेलिंग पे नहीं जाना, पता नहीं सही है कि गलत है, आप बताना। बाकी क्या है ये प्रतिशत, क्या है प्रतिशत, स्पेलिंग सही है कि नहीं? चलो, प्रतिशत बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है, एकदम शुरू, मतलब जहाँ से परसेंटेज शुरू होता है। एक्चुअली ये जीरो लेवल की आपकी प्रकार से डेमो क्लास है, तो डेमो क्लास का मतलब होता है कि आपको एकदम जीरो से समझ, रात 9 बजे से आप PVR स्टडी चैनल पे। आगे बढ़े, रोशन जी कंप्लीट क्लास PVR स्टडी ऐप में, PVR स्टडी ऐप के अंदर आप जाके ले सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं आखिर प्रतिशत है क्या, प्रतिशत क्या है, व्हाट इज परसेंटेज बोलते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में, मतलब प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में कितना, समझना थोड़ा सा। तीनों व्हाट्सएप स्टेटस में भेजना है सर, ठीक है? और ग्रुप 20 के आगे जितने भी ग्रुप है सब में भेज दीजिए, जो सिंपल वाला व्हाट्सएप है उसमें सारे ग्रुप हैं, ठीक है? ओके, आप लोग भी भेज दीजिए, हाँ लोग भी भेज। तो प्रतिशत का मतलब समझना, थोड़ा सा समझना, पूरा समझ में आए बस थोड़ा सा समझ। देखो, जैसे अगर मैंने कहा 100 का 5%, ये बताओ मेरी आवाज़ सही है कि नहीं? आवाज़ तो सुन नहीं रहे, बैठे हैं मुँह बना के, भाई ईयरफोन लगा लो, काहे लिए बैठे हो, वो उस पे टेबल पे है ना, ईयरफोन लगाइए, उसमें मतलब क्या आप भूल जा रहे हैं, क्या बताऊँ? आवाज़ सही है, आप लोग मुझे एक बार बता दो कि भाई सही है, सही है। चलिए, 100 का 5% का मतलब हुआ साथियों 5, बिना किसी सूत्र बिना कुछ पढ़े हम। 100 का 10% का मतलब क्या हुआ, 10, समझते चलना। 100 का 80% का मतलब क्या हुआ, 80, यानी 100 का जितना परसेंट हम बोलेंगे, हाँ 100 का जितना परसेंट हम बोलेंगे उसका मान उतना ही होगा, यानी हम जो प्रतिशत निकालते हैं उसके 10-10 100 हैं, मतलब इन्हीं की देखरेख में निकलता है, 100 पर ही हमेशा परसेंटेज निकलता है। तो मुझे एक बात बताओ,
अगर 100 का 5% 5 है तो भैया 200 का कितना होगा? इसमें कोई सूत्र अभी नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ व्यवहारिक आपको सिखा। बताइए सभी साथी, फटाफट कमेंट करिए, बताइए जल्दी बोलिए फटाफट, क्लास का टाइम है बाबू, रात के 9 बजे से डेली चलेगा। अब तक बंद था, फिर से शुरू हो चुका है और हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। इनको जल्दी जल्दी पढ़ना है, दो दो तीन तीन घंटा वो पीवीआर स्टडी ऐप में जाके कोर्स जीरो लेवल वाला ज्वाइन करें और पढ़ें बिंदास 8-8 घंटे। चलिए ठीक है, सबसे पहला आंसर आ गया भाई सूरज का, आ गया शाहिद उदित गोपाल चंद। जैसे 100 का 5% 5 होता है, वैसे 200 का 5% भाई ये इसका डबल है ना, डबल है ना, तो मत टेंशन लो तुम, छोड़ो इसको, हम ऐसे लिख सकते 100 धन 100, तो 100 धन 100 लिख सकते हैं। और जब 100 का 5% 5 है तो इसका क्या होगा भाई, इसका 5, इसका भी क्या 5, दोनों जुड़ेगा मतलब 10। इसमें चुटकी भर दिमाग नहीं लगाना है, शुक्ला जी को भूल नहीं गए, हाँ दुनिया वाले भूल जाए टाइम के साथ साथ, सब क्या करें तो भूल जा रहे हैं, उन्हें हम याद भी नहीं कर आएंगे। चलिए आगे समझते जाइए, इतना सभी को समझ में आ गया, कोई किसी को डाउट कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है, तो ये आप समझ गए, हमारी 9 बजे वाली रात की क्लास सिर्फ उनके लिए होती है जिनको मैथ नहीं आता, या तो उन्हें कुछ नहीं आता है या फिर मैथ में कमजोर है। जिनको आता है उनके लिए बिल्कुल नहीं, जिनको आता है उनका कोर्स वैसे तो पीवीआर स्टडी ऐप में उपलब्ध है, अपने परीक्षा के अनुसार जाके कोर्स का नाम सर्च करिए और ज्वाइन करिए। बाकी यूट्यूब पे हमारी क्लास सिर्फ उनके लिए होती है जिनको मैथ नहीं आती है और उनके दिल में कुछ तड़प है सीखने, तब ऐसा नहीं कि आती भी नहीं वैसे भी खुश हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये हो गया। अच्छा एक और, 200 का 5% ये तो समझ गए, तो ये बताओ भाई साहब 500 का 5% कितना होगा? सबसे पहले बताएगा कोई 500 का 5% कितना होगा, कोई बताएगा? जल्दी जवाब दीजिए फटाफट, देर नहीं करना, 5 घंटे नहीं, सर सुन रहे हैं ना आप, आवाज सही आ रही ना, आवाज और वीडियो ये आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो फिर आप फिर तो नियम खोल रहे हैं। इसी में देखिए, इसी में देखिए, इसी में तो बंद कर दीजिए, इसी में देखिए, चलिए आगे करें फिर। तो सबसे पहले इसका जो आंसर आ रहा है वो भाई आ रहा है राम तोमर का, ठीक है, राम तोमर, उदित जायसवाल, संजय लोधी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, मैंने कोई सूत्र नहीं बताया, कोई तरीका नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक मानवता जिसे बोलते हैं इंसानियत के नाते ना, प्रेजेंट ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं, उसी का यूज करिए। देखिए मैं बताता हूँ, इसको आप लिख लिए थे, मैंने आपको बताया था कि 100 पे परसेंटेज निकालते हैं, और जैसे 500 का मैंने पूछा ना भाई, 100 का 5% 5 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 40% 40 होता है, यानी 100 पे जितना भी परसेंट हम बोलेंगे वो उतना ही होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पता ना अगर कुछ भी मिस्टेक होगा, नहीं लिख सकते हैं या फिर ऐसे कैसे लिख दी हमारी हिम्मत कैसे हुई तो बताना। 5 बार तो लिखा हूँ कि 6 बार लिखा हूँ भाई, 5 ही बार लिखा हूँ ना बाबू, हाँ 5 ही बार लिखा हूँ ना। देखो तो 100 का 5% 5 होता है, तो सब में से 5 5 निकाल लो ना, ये लो, लेकिन ये तरीका नहीं है मैथ पढ़ने का। ये पढ़ने का तरीका नहीं, ये मैं अभी थोड़ा सिखा रहा हूँ कि आपको लगे मैथ आसान है, भाई मैथ बहुत आसान है, एक बार प्यार कर लो इससे बस, थोड़ा बहुत आसान है। किस नाम से कमेंट कर, ओके हो गया, ओके इन सबको जोड़ो, 5 5 10 5 15 5 20 कितना हो गया 25,
यानी इसका आंसर कितना आ गया 25। अब हम गणितीय तरीका में चलेंगे, आखिर मैथ के रूल से इसको कैसे करेंगे। अगर एसएससी बैंक रेलवे टेट सीटेट यूपीटेट डीएलएड कुछ भी देने गए तो हुआ तो फिर हो ही गई मैथ की क्लास। अगर वहां इसे दिमाग लगाओगे तो सब में तो लगेगा ही नहीं, कहोगे अरे गुरु ये कौन तरीका बता दिया। 500 को तो तुम जोड़ लिए 5 बार, लेकिन सोचो अगर यहाँ 5000 हो गया तब का करो, तब तो 100-100 बार लिखोगे तो नानी याद आ जाएंगी। भाई 500 था तो लिख दिया, अगर 5000 हो गया तब बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। सोचो कि 5000 की जगह इतना हो गया तो तब कितनी बार 100 जगह बांटोगे। हो जाएगी। देखिए अब तरीका बताता हूँ मैथ वाला, बहुत आसान है तरीका, समझिए कैसे करते हैं। ये तो बिना तरीका का था, मैथ में आते हैं। मैथ का जो रूल होता है वो क्या करता है, ये डेमो क्लास है, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ जिनको मैथ सीखना है के लिए डेमो है। इस क्लास से अगर उन्हें लगता है कुछ भी तनिक भर कि वो सीख सकते हैं ना, तो मैं अभी लास्ट में एक नंबर दूंगा उस पर कॉन्टेक्ट करना, एक पर्सनल नंबर दूंगा मैं अपना, अभी रुके रहना चाहता। हाँ तरीका ये है, जैसे 500 का 5 पर साथियों, अगर हम इसे तरीके से करेंगे, पहले ये गिनती ऐसे लिख देते हैं, फिर गुणा का चिन्ह लगाते हैं, फिर उस गिनती को लिख देते हैं जो भी रहता है जितना परसेंट निकालना है 5, फिर परसेंट का चिन्ह हटा के 100 से भाग कर देते हैं, फिर इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक से एक बराबर 25। इसको हल करने का एक और तरीका, मैं बहुत संभल के बोल रहा हूँ, संभल के बता रहा हूँ जिससे हर किसी को समझ में आए। कितने लोग देख रहे हैं, कौन गाली दे रहा है, कौन लड़ाई कर रहा है, मुझसे कोई मतलब नहीं। हमारे लिए सहयोग के रूप में आपके एक दूसरे सर हैं जो आप लोगों को मैनेज करेंगे, अब हम टेंशन फ्री रहेंगे। नहीं पहले क्या होता था, कमेंट वगैरह देखने में बहुत टाइम वेस्ट होता था आप लोगों का। चलिए सर टेलीग्राम लिंक बीच बीच में देते रहिए, लोग ज्वाइन करें, आप जागते रहिए। हाँ टेलीग्राम लिंक देते रहिए, ऐप का लिंक देते रहिए। हाँ एक काम ना करिए, इसका एक दूसरा तरीका हल करने का थोड़ा समझना। 500 का 5% सब कुछ वैसे है, बस थोड़ा सा अंतर होगा। भाई 5 का 5 में गुणा कर लीजिए भैया, 25 हो गया और दो जीरो नीचे 100, समझना ये थोड़ा अलग है। क्या अलग है, बस थोड़ा सा अलग है, दोनों में 25 आया ना। अब देखो मुझे ये बताओ, इसको मैं Q अगर मान लूं, तो इसको मैंने P मान लिया, तो ये बताओ कौन सा आंसर ज़्यादा आसान था, मतलब तरीका कौन सा आसान था। मान लो मैंने इसको बोला कि ये Q तरीका है, ये P है, अगर ये ज़्यादा मज़ेदार लगा, अच्छा लगा तो P लिख के कमेंट करिए, ये ज़्यादा अच्छा लगा तो Q, बताइए। योगेश कुमार भाई गाली देने को नहीं बोला कि तुम गाली देना शुरू कर दो, मेरा मतलब अब समझने वाले समझे, अब थोड़ी समझे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। शीतल वाहा, राम बाबू, शिवम कुमार, संध्या, ममता सिंह, वेरी गुड। पी और क्यू में लोग ज़्यादातर पी वाला बता रहे हैं। हाँ पी वाला मैं भी सही मानता हूँ, क्योंकि मैं क्या है ना, क्यू वाले में संख्या को बड़ी करके काटा गया था और पी वाले में सबको अलग अलग तोड़ा गया था। किसी चीज को तोड़ने के लिए ना अलग अलग तोड़ना ही आसान होता है। तो देखिए देश में जो जनता है ना, उसको नेता लोग अलग अलग करके तोड़ रहे हैं, समझ रहे हो, थोड़ी राजनीति वाली बात नहीं है। जनता को अलग अलग करके कैसे तोड़ रहे हैं, आपस में सब एक होते हैं, पार्टियों में सब आपस में गठबंधन हो जाता है, नेता इसमें से उसमें चले जाते हैं, उसमें से उसमें, उसमें रहते हैं तो उनको गाली देते हैं, अपने में आ जाते हैं तो दूध के धूले हो जाते हैं। बस वही हाल है, इधर समझिए मतलब की बात।
अब एक एग्जाम्पल दूसरा, 600 का आप मुझे 40% का मान, जल्दी बताइए फटाफट कितना आएगा, कोशिश करो। आयुष, सुमन, बताइए, अनिल चंद, बताइए कितना है। मैं बताता हूँ, देखिए बहुत आसान है, एकदम आसान, एकदम हलवा है, जैसे गरम गरम वो लगता है ना वैसे ही, मतलब आगे मैं और क्या बोलूँ, आसान भी है, मीठा भी है, अच्छा। चलिए, सबसे पहला जवाब आया इसमें दया शंकर का, 600 का को हटा के गुड़ा लगाते हैं, काका को साइड कर देते हैं, ये नंबर लिख देते हैं जो भी यहाँ रहता है, 40 था तो 40 लिख दिया, 404, परसेंटेज का चिन्ह हटा के 100 से भाग करते हैं, फिर इनको कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ये काटना पीटना कैसे होता है, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे छूट सब सारी क्लासें शुरू उतना मज़ा। एक बात याद रखना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ना भैया, ये क्लास प्रत्येक रात 9 बजे से मिलेगी, मैंने शुरू कर दिया है, और बिल्कुल फ्री मिलेगी, हाँ 100% फ्री, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह करते रहो, ठीक है, शेयर और लाइक, ये दो काम आपका रहेगा, बाकी कुछ। इनका 1-0, 1-0, 1-0 काट दिया, इधर 6 बचा, इधर 40 बचा, 6 का 4 में गुणा करो 24, और 1-0, 240, यानी अगर ये देखिए जो मैथ पढ़ा रहा हूँ ये नौकरी वाली मैथ नहीं, ये मैथ जिंदगी जीने के लिए, अगर जिंदगी में बिजनेस नहीं करते हो, दुकान पे इतनी महंगाई में तुम 80 रुपया किलो टमाटर भी खरीदने जाते हो ना, वहाँ पे अगर दुकान वाला 100 ग्राम टमाटर देगा, भाई महंगाई लंबी है, लोग 150 ग्राम तो लेवे करेंगे, सेब और टमाटर बराबर है, तो अब आप लोग बताओ कि 100 ग्राम का कितना रुपया हो, जैसे अधिकतर लोग नहीं बता पाएंगे, तो दुकानदार ले लिया तुमसे 10 रुपया, इसका मतलब तुमको बना दिया बेवकूफ़, भाई 80 रुपये किलो टमाटर है, 100 ग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा बताओ। साक्षी कुमारी बताइए, 100 ग्राम टमाटर का मूल्य कितने रुपए हुआ, अगर टमाटर 80 रुपये किलो है, 80 नहीं, हमारे प्रयागराज में 100 के ऊपर भी हो जाता है, कोई नई बात नहीं, हम लोग बहुत पैसे वाले हैं इसलिए, वो तो अंदर की आत्मा जानती है। चलो ठीक है, 8 रुपये, ठीक है, अरमान अली साथ बने रहिए। तो ये हो गया, इस तरह से अगर मैं एक से आपसे और पूछूं, ध्यान देना, अभी ये डेमो है, अभी ट्रेलर है, ये मूवी तो अभी शुरू नहीं, मूवी तो शुरू होती है पीवीआर स्टडी ऐप के अंदर। चलिए समझिए, 800, ये क्या बताऊंगा इस टाइप का, बस मैं बदलूंगा आप का 30%, बताइए 800 का 20% बताइए, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो कमेंट नहीं कर पा रहा होगा, तो भैया सब्सक्राइब कर लो बाबूजी से, कमेंट कर पाओ आप लोग। हाँ चलो, राजा आलम, बिल्कुल वो तो मुझे भी पता है, बहुत अच्छा, बस तुम लोग अच्छा मानते नहीं हो, प्रॉब्लम ये। ठीक है, आज का टॉपिक है परसेंटेज, परसेंटेज मैं ऐसा पढ़ाऊंगा नहीं, घोल के पिला दूंगा एकदम, जैसे वो कोरोना की वैक्सीन लगती नहीं थी, फिर कोरोना से लोग जंग लड़ने लगे, वैसे ही तुम लोग मैथ से जंग लड़ने लगोगे, ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक मैथ है। 160, ठीक है, नंबर ऐसे लिखेंगे, कितना परसेंटेज रहेगा उसको लिख देंगे, परसेंटेज हटाएंगे 100 से भाग करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे प्यार से, दूसरा शून्य से दूसरा शून्य काट देंगे ये भी प्यार से, यहाँ पे बराबर लगा लेंगे, यहाँ पे भी सीधा सीधा, यहाँ पे 8 बच रहा था यहाँ ले लेंगे इसको, यहाँ पे 20 बच रहा था, और 20 8 होता है 160, पहाड़ा भी आना चाहिए इसके। डॉली जी आपको दिल की गहराइयों से ढेर सारा थैंक। चलिए, आया समझ में, ये था कि परसेंटेज
कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 800 रुपया है, मैंने कहा कि भैया बाबू अगर आप डेली रेगुलर पढ़ोगे प्यार से ऐसे मजे से तो मैं तुमको 20% दे दूंगा। बताओ कितना मिलेगा? वैसे मैं दूंगा नहीं, ये मत सोचना कि देने वाला हूँ, तो बता रहा हूँ वैसे। चलो ठीक है, तो कोई भी एक से अधिक बार कमेंट ना करिए। एक सवाल और बता दो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट। हमारी कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए हर किसी। हाँ ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, सबको आना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए एक और बता दीजिए। 1650 का 70%, मुझे इसका आंसर जो बता देगा हम उसको मान लेंगे बहुत बड़ा खतरनाक आदमी है। चलो बताइए जल्दी करिए फटाफट। पर आवाज़ सही आ रही ना, आप क्या लिख रहे हैं इतना देर से? कमेंट कॉपी करके रख लीजिए, मैसेज वहाँ व्हाट्सएप पे, वहाँ से बार बार पेस्ट कर दिया करिए, दो जो तीन चार बना के। ठीक है, बार बार लिखिए नहीं, आधा आधा घंटा देखते भी रहिए इन लोग को, डॉली वाली को, ये जो 8 बार कमेंट कर रही। ठीक है, और ब्लॉक नहीं करिएगा किसी को। हाँ भाई ये जो PVR वाले मतलब वाले हैं ना, ये PVR 3 नाम से मिलके बना है, हमारे पिताजी माताजी और हमारा, एक एक लेटर शामिल है PVR में 3 नाम का। ठीक है चलिए, तो क्लियर डन। सबसे पहला इसका आंसर आया है योगेश कुमार का। बहुत अच्छे योगेश जी, वेरी गुड। सुचिता जी का भी सही, दूसरे नंबर पे है, सही है कि? चलिए इसको हल करते हैं। 1650 का 70% का मतलब हुआ, ऐसे कर लो, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 से बाहर, एक जीरो से एक जीरो खत्म, दूसरा से दूसर का भी खत्म, 165 में 7 से गुणा करना है, 7 5 35 का 5 हासिल, 3 7 6 42, 3 45 हासिल, 4 7 1 कम, 7 4 11, ये आंसर 1155। 10 हमलों में नहीं आए आप लोग, क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, ये मुझे बहुत तकलीफ की बात है। नहीं, और हमारे कितने साथी PVR स्टडी के फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, उनको तो मैं बोला ही नहीं एको बार, तो भी दिल की गहराइयों से ढेर सारा थैंक यू। अब मैं थोड़ा देर PVR स्टडी फेसबुक पेज पे रिप्लाई देखूंगा कौन क्या कर रहा है। सर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे देख लीजिए कमेंट जाके, सुन रहे हैं ना? हाँ ये लाइव PVR स्टडी के फेसबुक पेज पर भी चल रहा है और यूट्यूब पे भी चल रहा है, दोनों चैनल पे। चलिए ठीक है, फेसबुक पर हमारे साथ पंकज सिंह जुड़े हुए हैं, प्रियंका, मनु, हर्ष और रवि रंजन, आलोक और कौन है भाई, अनूप। चलिए सारी बात डन, आगे बढ़ें। अब हम थोड़ा टॉपिक और क्वेश्चन बदलेंगे, क्योंकि तो एक में झेलते रहेंगे तो लोग लगेगा इनको यही आता है और कुछ आऊ भी नहीं करता। अब ये बताइए कि 2/5 को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? बताइए 2/5 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? क्वेश्चन बदल गया, प्रतिशत में बदलिए। अब तक जो था वो प्रतिशत में था, से प्रतिशत हटाना था, छुड़ाना था। अब बताइए इन्हें प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, फटाफट बताइए। चलिए जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से भाई, ऐसे मजा नहीं आएगी। बताइए कैसे बदलेंगे? आप अगर फेसबुक पे जाके PVR स्टडी लिखेंगे तो आपको पेज मिल जाएगा, फेसबुक पे हमारी सारी क्लासें आप फ्री भी देख सकते हैं, पेमेंट वाली भी। ठीक है बहुत अच्छे, बहुत से बच्चों ने इसका जवाब दिया, बहुत से बच्चों ने कोशिश किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देर करे हुए। ठीक है वेरी गुड, बहुत अच्छे वेरी गुड। चलिए साथियों किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में बदलना है उसे हमें 100 से गुणा करना होता है। अगर परसेंटेज हटाना है
परसेंटेज हटाना है तब तो 100 से भाग करेंगे हम, 2/5 को 100 से क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 40% आंसर है। बताइए कितने लोग समझ गए थे, क्या आप लोग समझ गए थे कि नहीं, बताओ फटाफट बोलिए, समझ गए थे ना। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक और क्वेश्चन बताइए इसी तरह से, नहीं समझ में आएगा परेशान नहीं हो, मैं बताऊंगा। 3/5 को परसेंटेज आंसर बताते चलिए, बिल्कुल जीरो लेवल वाली मैथमेटिक्स है ये, तो नहीं आती मैथ, अगर वो सीखना चाहते हैं लास्ट में मैं अभी नंबर दूंगा अपना पर्सनल नंबर, आप उस पर कॉन्टेक्ट करिएगा या नीचे नंबर चल रहा है उस पर भी कर सकते हैं, पूरी गारंटी होती है गणित सिखाने की, तो लेवल से टॉप तक हाँ सब मिलेगा, लेकिन सबर करना पड़ेगा थोड़ा। क्या कुशवाहा, उदित, सूरज कुमार, नरेश, आयुष, संजय, प्रियंका प्रजापति, रंजीत कुमार राठौर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, मस्त। चलिए भैया हो बाबू हो, ये हो जाएगा 3/5 पूरा परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीपल 5 से काट दीजिए, नहीं 60 मतलब 60% कितना हो गया, 60% सबको समझ में आया बोलो, हाँ ईमानदारी से बोलना, बेईमानी नहीं करना, समझ में आया ना, आया ना समझ में। क्लास को एंड तक देखिएगा, अगर आपको मैथ सीखना है, आपके दिल में कुछ है ज़िंदगी में करने का, तो मैथ उसकी प्रॉब्लम नहीं बनेगी, हमारी गारंटी। मैथ की वजह से आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, मैथ की वजह से आपको शर्म लगती है, लाज लगती है बातों को लेकर के, तो आप उसको मेरी खोपड़ी पर रख दीजिए, इसलिए मैंने बाल भी छोटा करवा लिया, सब आ जाएगा, समझ रहे हो ना। चलिए ठीक है, तो नंबर नीचे चल रहा है उस पर आपको कांटेक्ट नहीं करना है, अगर आपको पेड कोर्स लेना है नंबर पे तभी करना है, नहीं तो आपको यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना, रात 9 बजे रोज देखना है। क्लास की लिंक के लिए PVR स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, टेलीग्राम पे ही सिर्फ लिंक हम देते हैं, व्हाट्सएप पे कोई लिंक नहीं मिलती, PVR स्टडी टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी लिंक मिल जाएगी। चलिए अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, आप लोग बताना ईमानदारी से, अगर हम इसमें लिख दें 12/5, यहाँ पे कुछ और लिख दें 5 की जगह 25, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा, कोई बता पाएगा, कोशिश करके बताओ मुझे, 12/25 कितना है बताइए, जल्दी करिए, देर मत करिए, फटाफट बताइए कितना आएगा भाई, कोशिश कर लो जल्दी से, मैं देखता हूँ सबसे पहला जवाब आ रहा है किसका, योगेश का सबसे पहला जवाब आया है, साजिद, मिर्जा, प्रियंका, उदित, आयुष, ज़्यादा नाम तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी करना है ना बाबू, टॉप पे और टॉप पे, एवरेज में रहने वालों की कोई, हाँ जो परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगाया उसका गलत, सबसे पहले जो सही जवाब दिया है वो उदित जायसवाल है, उदित के पहले जिन लोगों ने बताया था परसेंटेज नहीं लगाया था उनका गलत है, सब गलत भाई, परसेंटेज ना लगाने का मतलब ये है कि शादी में गए हो, बारात तो चले गए घोड़ा गाड़ी गधा घोड़ा लेके, लेकिन दुल्हा गया ही नहीं, दुल्हन किसके साथ आएगी, बस वही हाल है। अगर तुम परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगाए, परसेंटेज निकाल लिए, आंसर आ गया ठीक है, लेकिन वो गलत है, वो गलत है, कोई मतलब नहीं, इसका कैसे 12/25 परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीपल करना है, 25 का पहाड़ा आता है, 25 × 100 12 × 48 48% इसका आंसर आएगा, क्या आएगा 48%।
रंजीत आएगा, बिल्कुल आएगा, सब आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब आएगा। आप लोग मुझे ये बताओ कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना, आगे बढ़ें? ठीक है, एक सवाल और बता दीजिए, फिर इसी में लगे हैं तो एक सवाल और बताइए। आज हम जितना पढ़ाएंगे उतना 100% आपके दिमाग में घुस जाएगा, एकदम जगह बना लेगा दिमाग। लेकिन हाँ, दिल से देखना, बिल्कुल वैसे जैसे देखते हो। क्या समझ गए? क्या देखते हो दिल से? कहाँ देखते हो, क्या देखते हो? वैसे इधर भी देखना। चलो एक क्वेश्चन और। 12/10, परसेंटेज में बदलिए। बताइए जल्दी फटाफट। इंग्लिश स्टडी सेंटर, एक क्लास ही एक मोटिवेशन है। इस क्लास में ना लोगों की खोई हुई उम्मीदें वापस आती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी एक सुनाना चाहता हूं मैं। उन्होंने कॉल किया था कहाँ से? अंडमान निकोबार से। भाई मैं तो वहाँ गया भी नहीं हूँ। यानी देश के कोने कोने से लोग पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा आपको सुनाना चाहूँगा, इसका आप लोग आंसर बताइए, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे कि लोगों को किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से लोग हैरान हैं, है ना? हाँ चलिए फटाफट जवाब दीजिए, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दीजिए। कितना आएगा? ट्राई करिए, आज का क्लास का टाइम ओवर हो गया। वैसे मैं 20-30 मिनट ही पढ़ा पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिए, आज का टाइम ओवर हो गया, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको कहीं इम्पोर्टेंट काम में जाना है तो आप जाइए। ठीक है, देखिए आप देखेंगे किस तरह से लोग, चाहे अंडमान निकोबार से हैं, आपके जम्मू कश्मीर से, कन्याकुमारी से हैं, उड़ीसा से हैं, कर्नाटका से हैं। मतलब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसे जगह हैं मैं जानता हूँ जहाँ पे लोग अधिकतर हिंदी ज़्यादा नहीं बोलते, लैंग्वेज दूसरी यूज करते हैं, है ना? जैसे कुछ जगह होगा जहाँ हिंदी यूज करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हमारी क्लासें वहाँ देखते हैं, उन्हें समझ में आया। ऐसा इसलिए, इतना जीरो से कोई पढ़ाता ही नहीं, खोज मारेंगे कोई पढ़ाएगा नहीं। देखिए मैं आप थोड़ा सुनाऊंगा बस। चलिए व्हाट्सएप नंबर पे उतना लिखना पड़ेगा, अगर इन दोनों के बार वहां पे डिस्टिंग होगा। देखिए बटा अंडमान सर, मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से, ये जो 1 to 10 क्लास का जो मैथ्स दिया हुआ है उसी को हम लोग ये पेमेंट करके मतलब ये करना है ना सर? हाँ, 1 to 10 में 1 से 10 तक है, 1 to 8 में 1 से 8 तक है, जो भी आपको करना है कर लीजिए। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम रोहन है। रोहन, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? सर मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से, अंडमान निकोबार। ठीक है, देखिए मेरा मतलब बस इतना सा था कि ऐसे जगह से भी लोग पढ़ते हैं कि जहाँ पे मुझे लगता है कि दूसरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ से सीखते हैं क्योंकि उन्हें कुछ करना है। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू, दिल से धन्यवाद। फिर अगली क्लास में कल रात के 9 बजे मिलेंगे। हाँ, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ नीचे, जो लोग लास्ट तक देखे हैं हमारे लिए बहुत ही प्रिय हैं वो। तो अगर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करना है फीस पे करके, आप इस नंबर पे हमें मैसेज करेंगे। ज्वाइन पेड लिख करके इस पर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा और आप घर बैठे सीख पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इसके लिए आपको 3 मंथ के लिए, सिर्फ 3 मंथ के लिए फुल पे 1 टाइम में 699 पे, इसमें आपको 1 महीना में गणित सिखाने की गारंटी है 30 दिन। लेकिन उस गारंटी में हमारे कुछ शर्तें होंगी, शर्तें यही सुन लो, कोई छुपाने वाली नहीं। पहली शर्त यह है कि आपको कम से कम 3 घंटा रोज पढ़ना होगा, बेसिक मैथ का क्लास 3 घंटा पढ़ना होगा हमारे साथ। दूसरी शर्त होगी कि जितना हम पढ़ाएंगे आपको कॉपी में लिखना होगा। तीसरी शर्त होगी आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा सारी क्लास सीक्वेंस से देखना होगा। अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है तो पहले आप पिछली क्लास देख के तभी हमारी क्लास में आओगे। तीनों कंडीशन में अगर आप खड़े उतरते हो ना, 100% गारंटी है महीना भर में गणित सीख। लेकिन हाँ, दिल में भी आपके होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि मैं फिर ये गारंटी ले लूँ बज उठाई। आपकी आत्मा भी तैयार होनी चाहिए, मैं मेहनत करूंगा या करूंगी।
तब आप इसे करिएगा, अन्यथा मत करिए। ठीक है, जिनको करना है निवेदन है वही लोग इस पे मैसेज करेंगे, अन्यथा ना करेंगे। जिनको क्लास के बारे में कोई इंक्वायरी है, नीचे नंबर चल रहा है उस पे कांटेक्ट करिए। रात के 9 बजे रोज फ्री पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, फ्री भी चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फ्री में 6 महीना लगेगा, ऐसा नहीं कि फ्री में जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फ्री में मैं 30 मिनट पढ़ा पाऊंगा भाई, फ्री में 30 मिनट पढ़ाऊंगा, पेड वाले में 3 घंटा पढ़ाऊंगा, बस इतना अंतर। मिलते हैं फिर कल की क्लास में रात 9 बजे से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। कद्दू जमरा ऑनलाइन का जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर दीजिएगा, बताया जाएगा। आज का टाइम ओवर होता है, रात 10 बजे से डीएलएड पर आधारित बेसिक क्लास होगी, देखना रात 10 बजे डीएलएड वालों का। ठीक है, रात 10 बजे आना जरूर सब।